हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम आ गए सुभाष चंद्र बोस कोलकाता दमदम एयरपोर्ट के अंदर। और यहाँ आने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक से रख रहे हैं, इसमें हमारा BRP और हमारा पासपोर्ट, जो इंडियन पासपोर्ट है वो है। और यहाँ से फिर हमें बोर्डिंग पास लेना है, इमिग्रेशन कराना है, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे अंदर। और फ्रेंड्स, हम आ गए एयरपोर्ट के अंदर और ये है सुभाष चंद्र बोस दमदम एयरपोर्ट। और बीच में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, वोमिटिंग हुआ, और क्योंकि धूप था और तबीयत भी मेरा ठीक नहीं था, सुबह से थोड़ा डाउन फील हो रहा था इसीलिए। और अब ठीक है, चलिए हम लोग जाएंगे एमिरेट्स के लाइन में और वहाँ जाकर के अपना बैग चेकिंग कराएंगे। उसके बाद उसके लिए भी अभी क्यू है और हमें लाइन में लगना होगा, तो ठीक है फिर चलते हैं। वो इजी है सर। तो इमिग्रेशन का आपको दिख रहा है, तो यहाँ हम क्यू में लगे हुए हैं इमिग्रेशन के लिए। और इमिग्रेशन हमें हर एक जगह कराना होगा, यहाँ पे भी, दुबई में भी और UK पहुँच के भी। फ्रेंड्स, हमारा बोर्डिंग पास हो गया, अब हम जा रहे हैं फ्लाइट में बैठने, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना था, मेरे राइट हैंड के तरफ, दाएं हाथ के तरफ आप देख रहे हैं 4 सीट और बाएं हाथ के तरफ आप देख रहे हैं 3 सीट। तो हमारा 3 फैमिली मेंबर्स हम हैं, इसीलिए हमें मिला था ABC जो 3 सीट के हैं, वहीं हमें बैठना था और वो विंडो साइड भी है। और मेरे दाएं तरफ था 4 सीट, मतलब DEFG, वहाँ पर आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं तो वो मिलेगा। उसके बाद जो है वो भी होता है विंडो साइड और उसमें भी आपको मिलेगा 3 सीट्स। एक आरुष बैठा था विंडो, सबसे किनारे होता है विंडो सीट जहाँ आरुष बैठा था, और वो मज़े ले रहा था व्यू का। यहाँ से आपको सारे एयरलाइंस दिखते हैं, एयरपोर्ट दिखता है, या जब फ्लाइट टेक ऑफ करती है तब दिखता है, और सारी चीज़ें ऊपर से व्यू बहुत अच्छा दिखता है। दिन हो, अगर रोशनी हो बाहर, सनलाइट हो, तो आपको आसमान भी बहुत अच्छा दिखता है। फ्रेंड्स, हम बैठ गए हैं सीट में, ये आप देख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ ये कोलकाता सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, और यहाँ से फ्लाइट UK के लिए है, दुबई के लिए है। फिर दुबई से हमारा फ्लाइट चेंज होगा, वहाँ से फिर UK के लिए, मैनचेस्टर के लिए होगा। जैसे हम आए थे बिल्कुल उसी तरह जाएंगे, लेकिन 18th को जो हमारा फ्लाइट था वो दुबई में, वाया दुबई जो था वो दुबई में 1.5 घंटे रुकना था, लेकिन अब हमें 6 आवर्स तक वहाँ वेट करना होगा। ठीक है, सीट के मिलने के बाद आपको सबसे पहले दिखेगा इस तरह का एक हेडसेट, एक पिलो और एक
ब्लैंकेट। तो हेडसेट आपको मिलता है मूवी देखने के लिए, खाना सुनने के लिए, टीवी देखने के लिए। तो सामने होगा इस तरह का एक स्क्रीन जिसमें ई का ऑप्शन होगा, प्रेस करेंगे तो सामने आ जाएगा मूवीज़ या फिर म्यूज़िक, टीवी, सब कुछ। तो मैंने किया म्यूज़िक का ऑप्शन को सिलेक्ट और सेट किया गाना, और इसके बाद आपको आ जाएगा सारे कंट्रीज़ का म्यूज़िक या मूवीज़ का ऑप्शन। तो मैं चली गई इंडियन में और उसे सिलेक्ट करके यहाँ पे आरुष दोनों स्क्रीन को यूज़ कर रहा है, एक में अपने डैड के स्क्रीन में लगा दिया है कार्टून और अपने स्क्रीन में लगाया है मोहब्बतें मूवी, और इस तरह का शैतानी आरुष करते रहता है। और यहाँ एयर होस्टेस जो होती है वो आपके हेल्प के लिए होती है, आपको किसी भी तरह से हेल्प चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं और हेल्प मांग सकते हैं। तो आपको कुछ भी चाहिए, भले ही आपको मेडिसिन भी चाहिए, आपको सिर दर्द हो रहा है, फीवर हो रहा है, आप नॉर्मल खाना जो दी है वो नहीं खा सकते हैं, या फिर किसी तरह सा भी कुछ कुछ हेल्प चाहिए, आप अकेले हैं, तो वो हर तरह का हेल्प आपको करती हैं और इसीलिए वो होती हैं। और वो बिल्कुल इरिटेट नहीं होगी, तो इस बात से आप डरे ना कि वो शायद इरिटेट हो जाए। तो बस यहाँ पर हम स्क्रीन देख रहे हैं, एक बार विंडो देख रहे हैं। तो इसी तरह हम सभी फ्लाइट में बैठे हुए थे, मज़े ले रहे थे, और मैं अरिजीत सिंह का गाना सुन रही थी। तभी मुझे दिखा नीचे ये एक आदमी जो ग्रीन लाइट लिए हुए थे, और रुके मैं जूम करके दिखाती हूँ, हाँ अब शायद आपको दिखे। तो इसका शायद मुझे लगता है रीज़न है कि अभी फ़्लाइट को टेक ऑफ नहीं करना है, शायद कोई रीज़न होगा मे बी। और यहाँ मुझे फिर देखा कि यहाँ पे कितने सारे फ्लाइट खड़े थे, और सबका एक एक नंबर था, हर एक जैसे कार पार्किंग होता है ना तो उसमें एक एक नंबर होता है, इस तरह से एक एक नंबर था, और अलग अलग साइज़ेस थे फ्लाइट के, और तीन ऐसे रखा हुआ था ट्रायंगल शेप का कुछ उसे स्टॉप कराने के लिए। देखिए इस तरह से इसका पीछे का पोर्शन ये था फ्लाइट का, और ये बिल्कुल छोटा सा था, लग रहा है किसी का पर्सनल था, तो वो मैं सोची शेयर करूँ आपके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है मैं देखूँ और आपको ना दिखाऊँ। यहाँ पे फ्लाइट टेक ऑफ हो चुका है, और ये नीचे का व्यू देख सकते हैं आप, कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल लाइट्स। और हाँ, जब हम टेक ऑफ होने वाली होती है फ्लाइट, तो हमें फ़ोन या फिर कोई भी गैजेट को ऑफ़ करने बोल दिया जाता है, इसलिए उस टाइम का जो वीडियो होता है वो मैं नहीं ले पाई। तो ये देखिए हमारे स्क्रीन में भी दिखने लगता है ये कोलकाता है, और कोलकाता से किस तरह से फ़्लाइट हो रही है, यहाँ का डिस्पैचर टाइम क्या होता है, एटीट्यूड क्या होता है, और हर एक चीज़ स्पीड क्या है, ग्राउंड स्पीड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे आप चाहे तो। तो इसी तरह से हमारा फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, और हम आगे अब हमें मिल गया खाना, और खाने में हमारे पास था बटर, राइस, और यहाँ कुछ चॉकलेट, कुछ माउथ फ्रेशनर था, अचार था, और एक चाट जैसा था, ये था अचार, और इधर था चाट, ये था एक हैंड
जो माउथ फ्रेशनर था शायद, या फिर नहीं, ये माउथ फ्रेशनर है और पहले जो देखे थे वो हैंड सैनिटाइज करना था। और इधर था आपका रसमलाई और सैलड, सैलड नहीं, वो चाट जैसा था थोड़ा सा वैसा था, और राइस और भिंडी का सब्जी भी था साथ में, और दाल था, जो खाना बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। कि देखिए ये चाट जैसा था, इसमें आलू, आपका कॉर्न, स्वीट कॉर्न सारा कुछ था, और ये रसमलाई, ये भी काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ पे कैटलरी सेट होता है जिसमें एक फॉक, स्पून और एक नाइफ रहता है। ये जूस था मेरे लिए, मैंगो जूस, एक बन था छोटा सा जो बटर के साथ आप खा सकते हैं, और ये था रोस्टेड बेक काजू। ये तो मैं दिखा चुकी हूँ जो माउथ फ्रेशनर था, या फिर कुछ चॉकलेट्स थे छोटे बड़े, और थोड़े बिस्किट्स थे, इस तरह की चीज़ें थी। और इसके साथ ही था फुल प्लेट राइस था, तो रुके मैं खोलती हूँ इसे। हाँ, ये दाल राइस, और राइस जीरा राइस जैसा था, काफ़ी टेस्टी था खाना, और आलू भिंडी का सब्जी। Feel my heart.
काफ़ी वॉक करने के बाद हम चढ़ गए एस्केलेटर में और यहाँ पे काफ़ी जगह आपको एस्केलेटर मिलेगा इस तरह से अपवर्ड्स या फिर जो वॉकिंग होता है वो एस्केलेटर भी मिलेगा। और फिर हम चढ़ गए और फिर ऊपर आए और यहाँ पे देखिए नीचे का व्यू, तो और मैं सोच रही थी कि इसके बाद और कितना चलना है, लेकिन हाँ जो जो किसी तरह से बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए वो व्हीलचेयर है, अगर आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। और फिर ऊपर आए, यहाँ देखिए जो टायर है वो सो रहे हैं। और यहाँ हम देख रहे थे कि हमारा जो मैनचेस्टर का फ़्लाइट है वो कितना बजे का है इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि ये दुबई एयरपोर्ट है और हमें अभी तक नहीं दिखा, अभी ये स्क्रीन में नहीं आया था हमारा जो फ़्लाइट था उसके बारे में डिटेल। और अब हम इसीलिए सोचे कि थोड़ा देर आगे चल के वेट करते हैं, तो हम फिर से चल पड़े आगे। तो यहाँ हम अब वेट करने लगे लिफ्ट का, क्योंकि लिफ्ट से ही हम ए में जा सकते थे और हमें ये कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए हमें इसी तरह से आना होता है। और ए में कौन सा A1, A2, A3, A4 कौन सा है वो हमें नहीं पता था, इसीलिए हम खड़े थे और स्क्रीन की तरफ देखे जा रहे थे यहाँ पे डिस्प्ले में। यहाँ पे अभी तक कोई हमारा जो मैनचेस्टर फ़्लाइट था तो वहाँ कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रहा था डिस्प्ले में। तो हम बहुत देर तक फिर भी सोचे कि देख ले तो हमारे लिए इजी होगा कि ए में भी कितना चलते रहें, वहाँ पे भी हमें फिर अपना जो डेस्टिनेशन होगा वहीं जाके बैठ जाएंगे जहाँ से हमें फिर से बोर्डिंग करके के लिए आगे जा सकते हैं वहाँ के लिए। तो लेकिन जब देखे नहीं तो मैं सोची चलिए आपको थोड़ा मैं घुमा दूँ, और जहाँ हम खड़े हैं ये हैं बी, तो आइए देखिए ये सारे गोल्ड है, जो आप इतने बड़े बड़े बिस्किट्स देख रहे हैं ना, ये गोल्ड बिस्किट्स हैं, बड़े बड़े बिस्किट क्या है, ये तो बिस्किट नहीं बोल सकते हम इसे, सॉरी, ये तो बहुत मतलब जो पूरा डेकोरेशन ही आपका गोल्ड से किया हुआ है। देखिए आप पूरा वॉल है आपका गोल्ड का, देखिए ये सब। और यहाँ पे पता है ऐसे 18, देखिए 22 के गोल्ड है, फिर 18K, 24K इस तरह से था। और यहाँ है डायमंड्स, देखिए, तो जो गोल्ड डायमंड्स के शौकीन होते हैं दुबई उसके लिए बेस्ट है, लेकिन हाँ एयरपोर्ट में नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा चार्जेस लगता है, आपको दुबई के अंदर जाना होता है उसके बाद आप खरीद सकते हैं। और इसके आगे कुछ थे मोती के पर्ल सेट, तो मुझे पर्सनली जो है पर्ल ज़्यादा पसंद है गोल्ड सिल्वर या फिर डायमंड से ज़्यादा, तो सबके पसंद अलग होते हैं, किसी को डायमंड बहुत ज़्यादा पसंद होता होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं दुबई एयरपोर्ट और इसके बाद हमारा नेक्स्ट फ्लाइट कुछ सुबह के 7 बजे है यहाँ से दुबई टू UK। तो यहाँ अब मैं वेट कर रही हूँ लिफ्ट का अपने फैमिली के साथ,
और हमें जाना है टर्मिनल ए में। हम खड़े हैं अभी टर्मिनल बी में और हमारा जो डिस्प्ले में शो कर रहा था वो टर्मिनल ए था, ये तो हमें पता था, पर टर्मिनल 1, 2, 3 क्या है वो हमें नहीं पता था। तो ए तक तो हमें जाना ही है। और मैं जिस लिफ्ट में हूँ वो लिफ्ट का साइज़ देखिए, एक बड़े रूम के जितना था और इस तरह के कुछ 7-8 लिफ्ट्स थे। और अब मैं खड़ी हूँ लिफ्ट में और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और ये दिखने लगा यहीं हम जाएंगे। और इसके बाद लेना है मुझे एक मेट्रो ट्रेन। जी हाँ, आप सही सुने, इसके बाद भी हमें वॉक करना है और हमें एक ट्रेन से जाना है फिर नेक्स्ट तक, जहाँ हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट है वहाँ तक जाने के लिए एक ट्रेन फिर से लेना होगा। और शायद उसके बाद भी एक मेट्रो लेना है जितना दूर मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम गई थी। तो चलिए देखते हैं। ये हम आ गए अपना A1 में और इसके बाद भी हमें वॉक करना है, लिफ्ट से हम नीचे आ गए हैं। और यहाँ का अगर आपको मैं व्यू दिखाऊं, तो अब हम लिफ्ट से उतरने के बाद काफ़ी दूर चलने के बाद यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन का। तो आप देख सकते हैं A1 to A24 जो लिफ्ट से उतरने के बाद देखा था वही, यहाँ हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का। अब हम घुस गए हैं ट्रेन के अंदर उसके गेट खुलते ही और यहाँ हम बैठ गए हैं अपने अपने सीट पे। यहाँ एयर होस्टेस भी है जो हमारे फ्लाइट में रहेंगी। और एमिरेट्स के जो एयर होस्टेस होते हैं उनका जो ड्रेस कोड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आरुष को आदत हो गया है सीट रखने का कोलकाता मेट्रो से ही, तो यहाँ मेरा वो सीट रखा था जबकि काफ़ी सारी जगह थी सीट रखने का कोई वजह नहीं था अलग से। तो ये पीछे है हमारा ट्रेन जिसे हम आए और पहले हम लिफ्ट से आए और फिर हमें यहाँ पीछे ये देख रहे हैं आप मेट्रो, यहाँ हमें मेट्रो ट्रेन से आना पड़ा। और ये है यहाँ से हमारा जो बोर्डिंग है यहाँ से होगा। और यहाँ आने के बाद आरुष, क्या हम सभी काफ़ी थक गए थे और इतने चलने के बाद कोलकाता से हमारा शुरुआत हुआ था और चलने का, और देखिए हमारा लगेज और ये दोनों बहुत थक गए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हमारा फ़्लाइट काफ़ी देर था, मतलब 7 घंटे हमें वेट करना था, तो थोड़ी देर वेट करी। चलिए आपको ये दिखाती हूँ मैं, देखिए ये टेलीफोन बूथ जैसा कितना प्यारा लग रहा है। और आपको दिखाती हूँ और एक चीज़, ये जो टेलीफोन है इसके ऊपर देखिए सबका कोड लिखा हुआ है सारे कंट्री का। तो ये है इंडिया 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 इंडिया, कहाँ दिख रहा है, MMMAII, हाँ दिख गया इंडिया, देखिए। और ये था बड़ा बड़ा टेलीफोन। तो यहाँ हम डिस्प्ले का वेट कर रहे हैं कि काश इस डिस्प्ले में भी दिखा दे कि हमारा हमें कहाँ जाना है ए में। तो आपको डेस्टिनेशन पर देखिए मेट्रो जा रहा है, ट्रेन जा रहा है, तो हमें अगर पता होता है कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है तो हम थोड़ा सा शांत हो जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा थकान कम हो जाता है या फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि हाँ इतना ही जाना है या फिर यहीं तक जाना है। तो यहाँ पे मुझे दिखा मिरर और मैं खुश हो गई देखते ही, मैं यहाँ वीडियो ले रही थी अपना कि अच्छा मैं ऐसी दिख रही हूँ इतना थकने के बाद भी, चलो मैं ठीक ठाक दिख रही हूँ। तो मैं जब थक जाती हूँ या टायर्ड हो जाती हूँ या परेशान होती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं एक वजह ढूंढ लेती हूँ अपने आप को खुश रखने का। तो ये मिरर देख के ही मैं खुश हो रही थी और ये दोनों थक के बैठ गए थे। तो अभी टाइम जो हो रहा था अभी वही, मैं यहाँ पे मुझे वॉच दिखा था, हाँ ये है, ये देखिए वॉच पे बज रहा है 2:05 और ये दुबई टाइम है, ना इंडिया का टाइम है ये, ना यूके का टाइम है। तो इंडिया टू यूके का और इंडिया टू दुबई दोनों का टाइम में बहुत डिफरेंस आता है।
अभी जो यूके का टाइम इंडिया से हुआ है वो 4.5 घंटे का हो गया है, जब मैं आ रही थी तो 5.5 घंटे का था, और दुबई टू यूके का था 3.5 घंटे, अभी शायद हो गया होगा 2.5 घंटे या 3 घंटे मे बी, तो मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, लेकिन शायद शायद ऐसा ही होगा। अब हमें यहाँ से लेना है और एक लिफ्ट, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा है 1, 2, 3, और इसके साथ ही है एस्केलेटर्स जो इस साइड है। तो अभी भी हम वेट किए जा रहे हैं, हमारा हम पहले तो एयरपोर्ट से पहले लिफ्ट से चढ़े, फिर उसके बाद हमारा मेट्रो था, और फिर हम मेट्रो से यहाँ तक आए। अब यहाँ पे 2:05 हो रहा है यूके टाइम, सॉरी दुबई टाइम में, और अब फिर हमें लिफ्ट लेना है या एस्केलेटर से फिर A24A में जाना है। तो काफ़ी बड़ा है दुबई एयरपोर्ट, और लास्ट टाइम जब हम कोलकाता टू यूके गए थे तब भी, दुबई से यूके जा रहे थे तब भी हमें यही इसी तरह से जाना पड़ा था। तो फिर चलते चलते पैर दुख जाता है, कहीं कहीं तो जो वॉकिंग एस्केलेटर है वो है लेकिन हर जगह नहीं है, तो सारा सामान के साथ चलने में काफ़ी पैर दर्द होता है। तो यहाँ तक चलने के बाद भी जब हमारा गेट नंबर शो नहीं कर रहा था तो हम लोग फिर चलते चलते हम लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं भी एक जगह देख के हम रात भर, मतलब जो रात का नींद होता है 2-3 घंटे का जितना भी हमारा टाइम है, तो हम थोड़ी देर सो जाते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वहाँ से ही डिस्प्ले में जब आ जाएगा हमारा गेट नंबर कहाँ है उसके बाद हम फिर चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए हम रेस्ट कर रहे हैं, हमारा लगेज और यहाँ बाकी भी सारे लोग रेस्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से, और ये एमिरेट्स का एक शॉप था बिल्कुल हम जहाँ रेस्ट कर रहे थे उसके सामने, देखिए यहाँ कैप था और जो छोटे छोटे एरोप्लेन्स थे, और फिर बैग, काफ़ी सारी चीज़ें थी, टी शर्ट, सब में एमिरेट्स लिखा हुआ था। तो एक्चुअली जब हम आते हैं या जाते हैं ना तो आरुष को हर बार एक गिफ्ट मिलता है एमिरेट्स के तरफ से, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर होती है। अब यहीं हम बैठे थे, थोड़ी देर सोए भी, एक जस्ट नैप सा लिए थे हम सभी, और उसके आगे हमें बस वैसे ही बैठे बैठे सुबह हो गया, और थोड़ा देर बाद फिर हम गए जो डिस्प्ले होता है रहता है वहाँ देखने, और यहाँ आ गया था हमारा गेट नंबर शो करने लगा था। तो कहाँ है मैनचेस्टर, ये ऊपर देखिए मैनचेस्टर दिख रहा है, गेट ओपन A12। तो हम A1 में ही थे, चलिए अब अच्छा हुआ यहाँ हम चले गए, थोड़ी देर टॉयलेट, और देखिए यहाँ दुबई का टॉयलेट कैसा होता है, ये है फ्लश, छोटा सा जो बटन है यहाँ होता है हैंड शावर, ये एक अच्छी बात है, और बस इतना ही रहता है यहाँ का, और बिल्कुल साफ़ सुथरा था यहाँ पे। और इसके बाद हम चल दिए गेट नंबर 2 के तरफ, यहाँ थोड़ा ब्रश व्रश मैं कर ली थी, हम सभी ने ब्रश किया और थोड़ा सा फेस वॉश किया, उसके बाद फिर हम निकल गए।
ज़्यादा दूर नहीं था गेट नंबर 2, लेकिन बीच में आरुष थोड़ा देर के लिए भुला गया था, हमें नहीं मिल रहा था, तो हम थोड़ा टेंस्ड हो गए थे। फिर वो खुद ही किसी के फ़ोन से कॉल करके और फिर आ गया। तो इसीलिए बच्चों के हाथ में फ़ोन देना कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होता है। ये देखिए, इतने बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं उन सभी का शॉप यहाँ होता है। तो लास्ट वीडियो में जब मैं यूके से इंडिया जा रही थी तब भी मैं दिखाई थी, ये गुच्ची का भी है। तो ये काफ़ी सारी ये चीज़ें जो होती है, ये देखने के लिए बहुत कोई एक्साइटेड होता है, और पर जब आप थक जाते हैं तो आपको मन नहीं करता कि हर एक शॉप में। यहाँ पे कुछ करेंसी चेंज के लिए था शॉप्स, और हर जगह हर एयरपोर्ट में आपको दिखेगा करेंसी चेंज के लिए, क्योंकि आपको कुछ ख़रीदना है तो उसके लिए करेंसी चेंज करना होता है। और इसके बाद हम गेट नंबर 2 में एंटर कर चुके थे। ये हम इमिग्रेशन के लिए खड़े हैं, जैसे कि मैं बोली थी कि हमें हर जगह इमिग्रेशन कराना होता है। और इस तो यहाँ फिर हमारा दुबई का इमिग्रेशन कंप्लीट हुआ और हम आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ मैं बता दूँ आपको कि यहाँ आने के बाद मुझे वीडियो करने मना कर दिया गया, और उसके बाद मैं डर गई थी और बिल्कुल मैं स्टॉप कर दी थी वीडियो बनाना। और डायरेक्ट मैं यहाँ फ़्लाइट में आपको दिखा रही हूँ कि हमारा लंच है, जो एक केक मिला था, ड्राई फ्रूट्स मिला था, ये फ्रूट सैलड है, एक कर्ड था, दही था, और दही जैसा ही था, ये एक बेकिंग आइटम था जिसमें हर जगह हमारा नाम लिखा हुआ था, ये है आरुष चौबे का, अनिल चौबे और शाश्वती चौबे। तो ये A380 विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लाइट, डबल डेकर, दो तल्ला फ्लाइट था ये, और ये काफ़ी अच्छा था। और पर मैं ज़्यादा ले नहीं पाई, और लंच में था दो प्याज़ा, पनीर दो प्याज़ा, राइस और पुलाव, और काफ़ी अच्छा खाना था, और भी काफ़ी चीज़ें थी। और इसके बाद हम आ गए मैनचेस्टर एयरपोर्ट, और यहाँ पे मैं जा रही हूँ आगे आगे अनिल, मैं इतना डर गई थी वहाँ पे कि उसके बाद मैं वीडियो कर नहीं कर रही थी, तो अनिल शायद वीडियो कर रहा था, ये मेरा नोन नहीं था, मुझे मैं नहीं जानती थी, अभी मैं देख रही हूँ। और यहाँ फिर से हमारा इमिग्रेशन होगा, और वहाँ तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। और जो यहाँ पे सारे क्यू इतने बड़े थे, इतना बड़ा बड़ा लाइन था कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा था, और हम बहुत थक भी गए थे। लेकिन ये हमारा लास्ट था, तो हम मैनचेस्टर पहुँच चुके थे, यूके पहुँच। फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ मैनचेस्टर यूके, और हमारा फ्लाइट थोड़ा डिले था, और हम जहाँ जहाँ बोर्डिंग करते हैं वहाँ वहाँ हमें इमिग्रेशन कराना होता है, और वो सब के बाद काफ़ी लेट हो गया। अब हम निकल रहे हैं बाहर, और यहाँ ठंड है 7 डिग्री। ओह सॉरी, ठीक है, फिर चलिए फिर बाहर निकलते हैं। तो ये है टर्मिनल 1, और हमारा हम एग्ज़िट यहाँ से किए क्योंकि इसके आगे हमारा कैब खड़ा था, और काफ़ी देर से खड़ा था, जैसे कि मैंने बोला कि हमारा फ़्लाइट थोड़ा डिले था, और बहुत ज़रूरत की भूख लगी है। वैसे तो खाना बहुत अच्छा था, जो दुबई टू यूके का जो A380 फ्लाइट था, उसमें खाना मैं जो लंच मिला था उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई, और उसमें था पनीर दो प्याज़ा और पुलाव जो बहुत टेस्टी था, उसके साथ खीर था और सैलड था, चाट टाइप का, सारे जो चना, काबली चना, मटर सब मिला के, आलू सब कुछ मिला के, काफ़ी अच्छा था खाना, बहुत अच्छा था। लेकिन होता है ना कि फ़्लाइट में खाया नहीं जाता, तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाता है, और अब मैं उतरी हूँ तो मुझे भूख लगा है। मेरी फ्रेंड बोली है वो खाना बना के रखी है, तो वो बार बार कॉल कर रही है, तो देखते हैं। चलिए अब घर चल के मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहुँच गई अपने डेस्टिनेशन, अपने घर, अपनी जगह जहाँ मैं रहती हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ पूरे थकान के साथ। कल मिलते हैं एक नई सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।